हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ स्वाति। स्वाति सोनी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की पकौड़ी। आज मौसम भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है बाहर और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में पकौड़ी मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हमने 5-6 प्याज ले लिया है, बड़ा बड़ा प्याज है। उसको हमने छील लिया है, छील के धो के ये देखिए पतला पतला बिल्कुल लच्छी जैसा हमने काट लिया है, और एकदम बिल्कुल पतला प्याज काटिएगा। और इसमें हम 1 चम्मच के लगभग हम नमक डाल देंगे। नमक हम शुरू में इसीलिए डाल दे रहे हैं क्योंकि नमक डाल के इसे हम आधा घंटा छोड़ देंगे, और आधा घंटा छोड़ने से क्या होगा, प्याज में से जो पानी है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो उसी में हम बेसन डाल के इसकी पकौड़ी बनाएंगे। तो अब इसको हम आधा घंटा तब तक छोड़ दे रहे हैं। तब तक हम देखिए 5-6 कली लहसुन, 1 इंच अदरक और 4-5 हरी मिर्च। लहसुन छील के अदरक छील के हम घस लेंगे महीन कदकस से, और ये देखिए हमने हरी मिर्च काट लिया है। तो ये सब हमने तैयार कर लिया है। आधा घंटा हो चुका है, अब प्याज में से हल्का सा पानी रिलीज हो गया, निकल गया है। हमें इसमें अलग से ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ेगा। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो 6 प्याज है तो 6 प्याज में कम से कम हम इससे 5 से 6 चम्मच हम बेसन डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए इस चम्मच से हमने 5 चम्मच हमने बेसन डाल दिया, और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो भी हमने घस लिया है काट लिया वो सब हम इसमें मिला दे रहे हैं। और ये आधा चम्मच हम अजवाइन डाल दे रहे हैं, 1/4 चम्मच हम कलौंजी डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, तीखा पकौड़ी वगैरह तीखा ही थोड़ा अच्छा लगता है, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, और 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे या अरारोट डाल देंगे, जिससे क्या पकौड़ी थोड़ी कुरकुरी बनेगी, और 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। प्याज में से जो पानी निकला है अगर उसी में ये अच्छे से मिल जाए, ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो इसी में मिला लीजिए। तो ये देखिए ये हम इसमें से इसे हम मिला लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा बेसन और डाल दे रहे हैं, तो 1 से 2 चम्मच के लगभग हम बेसन और डाल दिए हैं हम लगभग, ये देखिए। और इसको हम अब मिला लेंगे। अगर थोड़ा पानी की ज़रूरत आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा हल्का पानी डालिएगा, अगर ज़रूरत लगे, नहीं लगे तो मत डालिएगा। और ये देखिए इसमें हम 5 से 6 चम्मच कप में पानी है, तो इसमें देखिए हम मुश्किल से 2 चम्मच हमको पानी लगा है इसमें, और बाकी पानी जो है प्याज का ही इसमें निकला है। उसी पानी में हमने अच्छे से इसको बेसन को सान लिया है, अच्छे से हम इसका बैटर बना लेंगे और इसे 5 मिनट तक अच्छे से हम मिला लेंगे, जिससे बेसन हल्की हो जाएगी तो पकौड़ी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। हो चुकी है और इसमें हमने तेल डाल दिया, तेल भी अब गर्म हो चुका है। इसमें हम हल्का सा अभी मसाला डाल के देख ले रहे हैं पकौड़ी का, जो हुआ कि नहीं, तो हो चुका है। अब हम इसको डालने से पहले एक बार और हम अच्छे से चला लेंगे, और इसमें हम ऐसे हाथ उंगली को फैला के डालिएगा तो ये पतला पतला भजिया जैसे बन जाएगा इसका शेप। और ये देखिए ये भी पतला पतला बनता है तो कुरकुरा खाने में बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो अगर आप इसे पकौड़ी शेप में बनाना चाहते हैं तो छोटा छोटा गोल गोल आप बना सकते हैं। इस तरह ये देखिए ये बन चुका है इस तरह, और हल्का ब्राउन हो जाए, ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, हल्का हो जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी बचे हुए बैटर का भी हम इसी तरह हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरी बार भी ऐसे ही डाल दिया है हाथ से, और इसी तरह हम बना ले रहे हैं। और ये देखिए एक ऐसे भी आप इस शेप में भी ऐसे डाल सकती हैं, गोल गोल छोटा छोटा गोल गोल भी आप डाल सकती हैं पकौड़ी शेप में, ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये भी अब हम डाल दिए और ये तैयार हो गया है, ये हमने बना लिया है। तो आप एक ही बैटर से आप 2 तरह के आप बना सकते हैं, और खाने में दोनों का टेस्ट तो एक ही जैसा आएगा। आप इसे हरे धनिया की चटनी बना लीजिए, या सॉस बना लीजिए, या टमाटर की चटनी खट्टी वाली बना लीजिए, उसके साथ आप खाइए, और ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।